हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जस्टिन जोसेफ। तो आज का वीडियो में हम एक छोटा सा टेक्निक सिखाने वाला है, वो है हैंड वॉश की टेक्निक। तो हमें पहले समझना है कि हैंड वॉश क्या है। बिल्कुल सरल रूप में बोलेंगे तो हैंड वॉश हम अपने हाथों से जेम्स को हटाने के लिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए किया जाता है। हैंड वॉश करने का अलग अलग टाइप्स होता है, मेनली 3 टाइप्स ऑफ हैंड वॉश होता है। एक है सोशल हैंड वॉश, सेकंड वन इज मेडिकल हैंड वॉश एंड थर्ड वन इज सर्जिकल हैंड वॉश। सोशल हैंड वॉश जो है वो हम नॉर्मली घर पे किया जाता है, हम सब लोग घर पे हैंड वॉश करते हैं, जैसे कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, अगर कोई गंदा मतलब चीजों को हमने उठाया तो उसके बाद हम हाथ साफ करते हैं, या वॉशरूम जाने के बाद हम साफ करते हैं। ये सब जो हैंड वॉश है वो सोशल हैंड वॉश में आता है और वो हम 1 से 2 मिनट की टाइम पे किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज मेडिकल हैंड वॉश, जो हमें कोई मेडिकली रिलेटेड प्रोसीजर वगैरह करना है उससे पहले और बाद में, या कोई पेशेंट का बॉडी फ्लूइड्स को छूने के बाद, या पेशेंट के कोई सराउंडिंग्स को छूने के बाद हम मेडिकल हैंड वॉश किया जाता है। और मेडिकल हैंड वॉश का जो ड्यूरेशन टाइम है वो 2 to 3 मिनट्स का होता है। और तीसरा जो हैंड वॉश है वो है सर्जिकल हैंड वॉश। सर्जिकल हैंड वॉश नॉर्मली हॉस्पिटल में, ICU के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर वगैरह होता है। जो कोई भी सर्जिकल काम होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, उसके बाद किया जाता है सर्जिकल हैंड वॉश। और सर्जिकल हैंड वॉश का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 to 5 मिनट्स का होता है। अब हम यहाँ पे जो टेक्निक सिखाने वाले हैं वो मेडिकल हैंड वॉश का है, जो 2 से 3 मिनट के टाइम पे हम किया जाता है। तो हम देखेंगे कैसे हमें हैंड वॉश टेक्निक, हैंड वॉश की स्टेप्स वगैरह कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जब हैंड वॉश करने वाले जो जगह पे पहुंचेंगे, हमें पहले देखना है कि हमारे हाथ में कुछ चीजें हैं, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें उसको उतार के रखना है। जैसे कोई रिंग्स है, वॉच है, ये सब हमें उतार के रखना है। और आपको अगर हाथ में, हाथ अगर आपका फुल है तो आपको क्या करना होगा, उसको फोल्ड करके रखना है। अभी हम मेडिकल हैंड वॉश करने जा रहे हैं, तो मेडिकल हैंड वॉश के लिए हमें सिर्फ कहाँ तक, हमारे जो रिस्ट तक साफ करना है, इसलिए मैं यहाँ तक रखा हुआ है। अब ऊपर ऐसे खाली हाथ को खाली करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले जो टैप है रनिंग वाटर से हमें करना है, तो टैप को पहले खोलना है, हमारे हाथ को पहले क्या करना है, गीला करना है। ठीक है, एक बार हमने गीला कर दिया, गीला करने के बाद हमने टैप बंद किया। जो हमारे पास जो साबुन रखा है, लिक्विड सोप या बार सोप है, उसमें से जितना हमें चाहिए उतने हमें हाथ में निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फॉर्म जाग बनाना है। ठीक है, ऐसे राउंड राउंड में हमें इसको जाग बनाना है। जाग बनाने के बाद हम 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश करेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये स्टेप्स कैसे होता है। तो फर्स्ट स्टेप करने के लिए हमें ये जो हमारी जो हाथ की जो अंदर साइड है, ये जो अंदर साइड है, इसको हम मेडिकली कहते हैं पाम। क्या कहते हैं, पाम। तो हमें क्या करना है, दोनों पाम को मिला के उसको रगड़ना है ऐसे, पाम टू पाम, एक पाम से दूसरी पाम, पाम टू पाम। तो ये मिनिमम आपको 5 बार ऐसे करना है, पाम टू पाम। ठीक है, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होने के बाद हमें सेकंड स्टेप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो पाम की जो बैक साइड है उसको बैक ऑफ द पाम भी बोलते हैं, इसको डोर्सम भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक पाम को उठा के दूसरी पाम की ऑपोजिट बैक साइड में रखना है और ऐसे रगड़ना है, जिसको कहते हैं पाम ओवर डोर्सम, पाम ओवर डोर्सम। ये आपको दोनों हाथ की करना है। ठीक है, ऐसे 5 बार आपको इसको करना है। फिर हम जाएंगे थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप के लिए क्या करना है, आपको ये जो फिंगर्स है, आपका फिंगर्स, फिंगर्स को इंटरलेस करना है, अंदर अंदर रखे आपको ऐसे क्लिक करना, फिंगर इंटरलेसिंग, फिंगर इंटरलेसिंग, फिंगर इंटरलेसिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे रखना है, फिर उसको ऐसे लॉक करना है और उसको ऐसे घुमाना है। ठीक है, और आपको ये जो थंब नेल है, थंब से आपको ये जो नकल जॉइंट्स है जहां से हमारे फिंगर स्टार्ट होता है, उसको भी आपको क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से उल्टा भी पकड़ के आपको उसको ऐसे घुमाना है। तो ये कौन सा है, फिंगर इंटर लॉकिंग, फिंगर इंटर लॉकिंग। उसके बाद करना है हमें थंब रोटेशन। उसके लिए हाथ को ऐसे रखना है, इस तरीके से पकड़ना है और ऊपर से ऐसे वाइप करके लेके आना है और थंब को ऐसे घुमा के साफ करना है। इसको कहते हैं थंब रोटेशन, थंब रोटेशन। अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि इस उंगली को अलग से क्यों क्लीन किया है ना, और किसी और भी तो उंगलियां है हमारा, इसको तो अलग से पकड़ा नहीं है, क्लीन किया नहीं। तो ये इसलिए है कि देखो, जब हम पाम टू पाम करता है तो देखो आपकी थंब नेल का है ऊपर है, ये अलग से है, इसका सफाई हो ही नहीं रहा, दिख रहा है ना। अब मैं पाम ओवर डोर्सम कर रहे तभी भी कहाँ पे अलग, ये अलग है। जब मैं फिंगर इंटरलेसिंग कर रहे तब भी ये अलग है, मतलब ये इसका सफाई नहीं हुआ, ये बोला कि मुझे सफाई की जरूरत नहीं है, बट उनको भी चाहिए ना, हमें कंप्लीट फिंगर इसका क्लीन करना है, इसलिए हम उसको क्या करते हो अलग से करते हो, क्योंकि इसका क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है टिप्स ऑफ द फिंगर। तो टिप्स कौन सा है फिंगर की, ये जो है ना, हाँ ये टिप्स है,
तो टिप्स को सारे इकट्ठा करना है और आपको पाम के ऊपर रखना है, फिर उसको घुमाना है इसको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिंगर टिप्स रोटेशन, फिंगर टिप्स रोटेशन। ये एक करने के बाद आपको दूसरा करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो नाखून वगैरह है, इसके अंदर कोई गंदगी वगैरह है तो ये सब चीज है अच्छा सा साफ हो जाएंगे, निकल जाएंगे। फिंगर टिप्स करने के बाद हमारी जो लास्ट स्टेप है वो है रिस्ट रोटेशन, ठीक है। रिस्ट रोटेशन करना है आपको, ऐसे ऐसे रिस्ट रोटेशन करना है दोनों साइड का। अगर सोचो आपने सर्जिकल हैंड वॉश कर रहे हैं, तो सर्जिकल हैंड वॉश में आपको ये रिस्ट से लेके एल्बो तक आपको क्लीन करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप रिस्ट से एल्बो तक साफ करेंगे अगर आप सर्जिकल हैंड वॉश किया होते तो आपको आई थिंक आप लोगों को 7 स्टेप्स समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ये करना है। तो ये 7 स्टेप्स करने के बाद हम दोबारा क्या करेंगे, हाथ को पाइप खोल के आप उनको हाथ को साफ करेंगे, जो जितना भी साबुन है उसको जाने देंगे। जाने के बाद आपको क्या करना है, टॉवल्स को उठाना है, टॉवल से आपको हाथ को एक बार अच्छा सा ड्राई करना है। वो ड्राई करने के बाद आपको इस टॉवल के ही एक कॉर्नर से क्या करना है, पाइप को बंद करना है, हाथ से फिर टच नहीं करना है। तो इसके बाद आपको हाथ को सूखने देना है, अच्छा सा सूखने देना। तो ये है हैंड वॉश की टेक्निक, ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है। आप भी इस टेक्निक को यूज करके अपना हैंड को साफ कर सकते हैं अगर आप पेशेंट केयर में काम करते हो। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा देखेंगे, तब तक बाय बाय।